मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर अपने लिए गड्ढा खोद लिया, क्योंकि मुंबई इंडियंस जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए तभी से मुंबई इंडियंस के जितने भी फैन हैं उन्होंने मुंबई इंडियंस की जर्सी बकायदा जलाना शुरू कर दिया, मुंबई इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुंबई इंडियंस जब से ऐलान किया कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के नए कप्तान होंगे तभी से मुंबई इंडियंस के साइट से लगभग एक घंटे में 1 से 1.5 मिलियन तक फॉलोअर गायब हो गए हैं। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है कि इस बार भले ही वर्ल्ड कप भारत नहीं जीती है लेकिन इस वर्ल्ड कप से भारतीय टीम ने बहुत सारे नाम कमाए। इससे ज्यादा फायदा रोहित शर्मा को हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह गियर बदल के इस वर्ल्ड कप में खेले उससे रोहित शर्मा की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, जिसके वजह से रोहित शर्मा की इज्जत बहुत ज्यादा लोग जो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते थे उन्होंने भी रोहित शर्मा के साथ मिलकर आवाज उठाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि रोहित शर्मा जिस तरह इस बार वर्ल्ड कप में क्या खतरनाक प्रदर्शन दिए इसी वजह से रोहित शर्मा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई और इसकी इज्जत की तुलना लगभग महेंद्र सिंह धोनी को जिस तरह इज्जत लोग करते हैं उसी तरह से रोहित शर्मा को भी इज्जत करना इस वाले लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग खबर निकल के ये सामने आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स जो आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मानी जाती है उन्होंने रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर एमआई से बात की थी और एमआई ने उस समय शायद मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सब साफ जाहिर हो गया कि एमआई से अगले साल रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे क्योंकि एमआई से लगभग कप्तानी छीनते एमआई ने जाहिर कर दिया कि रोहित शर्मा अगले साल दूसरे फ्रेंचाइजी से तो 90% फिक्स है जो दूसरे फ्रेंचाइजी से खेलेंगे ही। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाते हुए मुंबई इंडियंस ने तर्क दिया कि मुंबई इंडियंस भविष्य की तैयारी कर रही है। खैर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि मुंबई इंडियंस का असली भविष्य किस कप्तान के साथ है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।